हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड आज जो हम लेके आ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 7। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं 6 पार्ट या 7 पार्ट्स में ख़त्म कर दूँ, लेकिन 7th में भी आज वाली वीडियो में मुश्किल है 7th पार्ट में भी ख़त्म होना। अभी 1 पार्ट और लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी कोशिश ऐसे ज़्यादा यही है कि बच्चे को प्रॉपर कंसेप्ट क्लियरिटी आनी चाहिए रिवीजन के अंदर भी। ये नहीं कि जल्दी जल्दी भगा दिया, इस चक्कर मैंने पार्ट ज़्यादा कर दिए। मैं चाहता था 6 पार्ट के अंदर भी ख़त्म कर सकता, लेकिन मैं उसका फ़ायदा क्या कि बस ख़त्म ही हो रहा है रिवीजन। अगर दिल की तसल्ली का कोई फ़ायदा नहीं है ना, रिवीजन प्रॉपर होनी चाहिए। इस चक्कर में थोड़े से पार्ट्स हमारे एक्सटेंड हो गए। इसके बाद मैं 1 पार्ट और अपलोड करूँगा, पार्ट 8, देन कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन फिनिश। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, देन हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट की रिवीजन। एंड इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आप लोगों को पता है मैं लास्ट क्लास में बात करी थी कि 3 बंदे कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होते। एक माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। माइनर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, देन उसके हमने रूल्स पढ़े थे माइनर्स के हम लोगों ने, कि माइनर कब कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कब कब उसका वैलिड बन जाएगा। आप लोगों को पता है कि नेसेसिटी के केस में उसको रेस्टिट्यूशन के लिए कहा जा सकता है वगैरह वगैरह। हम लोगों ने इसके बड़े सारे पॉइंट्स लास्ट क्लास में माइनर्स के ऊपर पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करें पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड नाम से क्लियर, इसका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन वो पहले साउंड माइंड। लॉ बोलते हैं कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, लेकिन वो अनसाउंड माइंड से पहले क्या बता रहा है, मीनिंग ऑफ साउंड माइंड। वो क्या बोलता है, अ पर्सन इज सेट टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म रैशनल जजमेंट। रैशनल मतलब समझदार वाली जजमेंट। अगर वो कहता है अगर एक बंदा साउंड माइंड माना जाएगा, अगर वो प्रॉपर जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के समझ पा रहा है और वो समझदारी से जजमेंट अगर फॉर्म करता है तो वो साउंड माइंड है, अदरवाइज वो साउंड माइंड नहीं है। दस इडियट्स, लुनेटिक्स एंड ड्रंकर्स कंसीडर टू बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। वो कह रहा है 3 बंदे इडियट, लुनेटिक एंड ड्रंकर्स आर कंसीडर टू बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब जरा बता रहा है ये इडियट लुनेटिक ड्रंकर्ड होते कौन है। वो कहता है इडियट अ पर्सन हु इज डिवॉइड ऑफ एनी फैकल्टीज ऑफ थिंकिंग और फॉर्म रैशनल जजमेंट। एक ऐसा बंदा जो ढंग से रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर पाता, जिसके पास डिवॉइड ऑफ एनी फैकल्टी, जो ढंग से सोच भी नहीं पाता, तो उसको हम बोलते हैं इडियट। लुनेटिक कौन होता है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में आप लोग कई बार लोगों को पागल बोलते हैं। अ पर्सन हुज मेंटल पावर्स आर डिरेंग, जिसके पास सोचने की क्षमता ही नहीं है, इज कॉल्ड लुनेटिक। अब जरा इन दो पे मैंने एक बात करनी है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, और मैं हमेशा मैं बच्चों को सिखाता भी, लेकिन आईसीआई का मॉड्यूल कुछ और कहता है। आईसीआई का मॉड्यूल ये कहता है जी कि जो इडियट है वो तो हमेशा इडियट रहेगा, वो ढंग से रेशनल जजमेंट फॉर्म ही नहीं करेगा, तो वो हमेशा ही अनसाउंड माइंड है, वो हमेशा ही क्या है, अनसाउंड माइंड। लेकिन आईसीआई का मॉड्यूल ये कहता है जो लुनेटिक है, अगर वो लूसिड इंटरवल्स में है। लुनेटिक के लिए क्या बोलता है आईसीआई, कि अगर कोई लुनेटिक जो है वो लूसिड इंटरवल्स में है, लूसिड इंटरवल का मतलब जब व्हेन ही इज अ साउंड माइंड, व्हेन ही इज साउंड माइंड, तो कह रहा है उस केस के अंदर लुनेटिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है उस केस में। तो इसका मतलब लॉ ये मान के चलता है कि जो लुनेटिक है वो हमेशा पागल नहीं होगा, अगर सब उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, और अगर वो साउंड माइंड हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर वो साउंड माइंड नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन लॉ बोलता है इडियट जो है, लॉ बोलता है इडियट तो हमेशा इडियट रहेगा। लॉ भी बोलता है, लॉ तो नहीं बोलता, आईसीआई का मॉड्यूल जरूर बोलता है। आईसीआई का मॉड्यूल कहता है कि इडियट तो हमेशा इडियट रहेगा, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तीसरा आता है ड्रंकर्ड, अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग स्टैंड ऑन सेम फूटिंग एज लुनेटिक। वो कह रहा है जो बंदा शराबी है, और अच्छा ड्रंकर से लोग जनरली क्या सोचते हैं कि उसने शराब पी रखी है, उसने साथ में बोला जो ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, मतलब जो नशे में है, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 3 बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पर्सन ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड के अंदर, एक एडियट, लुनेटिक, एक ड्रंकर्ड। लेकिन आपको पता है कि जो लुनेटिक है, एडियट और ड्रंकर्ड तो कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा ड्रंकर्ड भी जिस टाइम उसने नहीं पी रखी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एडियट तो हमेशा ही नहीं कर सकता। लेकिन लुनेटिक भी जब उसका इलाज चल रहा है, अगर वो ठीक है तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो ठीक है, एक लुनेटिक और एक ड्रंकर्ड, लेकिन इडियट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा अब हम आगे जरा देखें, ये हो गया आपका। अच्छा लॉ प्रिजम्पशन, लॉ प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन हैज अ साउंड माइंड, और लेकिन वो नीचे क्या बोलता है, अ साउंड माइंड ही कैन एंटर इनटू कॉन्टैक्ट एट ऑल द टाइम। प्रिजम्पशन के अंदर बता रहा है जो साउंड माइंड तो हमेशा ही कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो कह रहा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड
ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एनी सच इंटरवल ऑफ टाइम इफ एनी व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. वो कह रहा है अनसाउंड माइंड भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर जिस टाइप ऑफ साउंड माइंड. एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर लुनेटिक के केस में अगर उसका दिमाग ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है भले वो अनसाउंड माइंड था पहले. दूसरा, अगर कोई ड्रंक करता है उसने दारू नहीं पी रखी तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. तीसरा आता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि मैंने बताया था कि तीन बंदे पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब तीन बंदे इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ. तो आपने माइनर अनसाउंड माइंड वाले के डिटेल में पढ़ लिया. अब पर्सन ऑफ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ आता है. पर्सन में क्या पता कौन कौन से डिस्क्वालीफाई है, एक कंपनी, एक एलियन एनिमी, एक फॉरन डिप्लोमैट्स, एक कन्विक्ट. अब जरा देखो, लॉ बोलता है, आपको पता हो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. लॉ बोलता है अगर कोई कंपनी अपने MOA के बाहर जाके, जो उसके ऑब्जेक्ट्स में लिखा उससे बाहर जाके अगर कोई भी काम करती है तो वो क्या मानी जाएगी, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ. तो इसका मतलब कोई भी कंपनी, MOA क्या होता है, कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है सिर्फ वही काम करेगी, उससे बाहर जाके कुछ भी करे तो क्या मानी जाएगी, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ. दूसरा क्या बोलता है, एलियन एनिमी. एलियन एनिमी का मतलब क्या हो गया, फॉरनर एनिमी. अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, लोग सोचते हैं कि जी इंडिया, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, लोग बोलते हैं पाकिस्तान. पिछले पूछ लो खड़े होके इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, रोड पे भी खड़े हो जाए तो वो बोलेगा पाकिस्तान. सुन लो, कोई लोग बोलते हैं चाइना भी. इंडिया ने अभी तक किसी भी कंट्री को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं करा है, तो हमारी इंडिया की कोई भी एनिमी कंट्री नहीं है. लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, अगर हमारी इंडिया की कोई एनिमी कंट्री है और हमारी सपोज उससे कोई गुड्स की लेन देन है, तो उस केस के अंदर अगर एग्जिस्टिंग अगर वॉर हो गई तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हो सकता. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर दे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है. तीसरा आता है फॉरेन डिप्लोमेट्स, जो फॉरेन एम्बेसी वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसके लिए वो क्या बोल रहा है, पहला फॉरेन डिप्लोमेट को हम दो ही केसेस में अंदर कर सकते हैं, क्या दो ही केसेस में उनके ऊपर केस कर सकते हैं. पहला वेयर ही सबमिट हिमसेल्फ टू द कोर्ट, अगर वो खुद सबमिट करते हैं, और दूसरा वेयर अप्रूवल ऑफ सीजी हैज बीन ऑब्टेंड. तीसरा आता है कन्विक्ट, दोषी. अगर किसी बंदे को दोषी ठहराया गया है तो वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा अंटिल हिज कन्विक्शन इज कंप्लीट, जब तक वो जेल में तब तक वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट उसका सस्पेंड हो जाएगा अगर उसने किया हुआ है. फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हो सकता, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर दे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो संजय दत्त भाई साहब को कन्विक्ट दोषी डिक्लेयर किया गया था, तो जितनी उन्होंने पिक्चर साइन की थी वो सस्पेंड हो गई जब तक वो जेल में थे, फ्रेश पिक्चर वो साइन कर नहीं सकते थे. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको परमिट कर दिया था तब तो आपको पता होगा बीच में शूटिंग के लिए वो बाहर भी आए थे, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो गया था. अब आता है फ्री कंसेंट. जैसा आपको पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने के लिए पांच चीज़ चाहिए होती है, कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसल्टेशन नॉट डिक्लेयर टू बी वैलिड. हम कंसल्टेशन पढ़ चुके हैं और कंपीटेंट पार्टीज पढ़ चुके हैं, फ्री कंसेंट पढ़ रहे हैं, देन इसके लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, देन डिक्लेयर टू बी वैलिड वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट वैलिड माने आते हैं. फ्री कंसेंट क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, व्हेन टू और मोर पर्संस आर सेट टू बी फ्री व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. अगर दो बंदे सेम थिंग सेम सेंस में एग्री करते हैं तो फ्री कंसेंट. एग्जांपल लेके बात करते हैं फटाफट. ए है, बोलता है यार एक्स पिक्चर देखने चलते हैं. वाई है, वो बोलता है यार जेड पिक्चर देखने चलते हैं. क्या यहाँ पे दोनों एग्री कर रहे हैं? नहीं जी, दोनों मिलके एग्री करते हैं सेम थिंग इन द सेम सेंस, चले काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी सी पिक्चर देखने चलते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्री कंसेंट. यहाँ पे किसी को कोई दबाव है नहीं. लॉ बोलता है पांच केसेस के अंदर कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी. पहला फ्रॉड के केस में, कोअर्जन के केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, और पांचवा मिस्टेक के केस में. अच्छा फ्रॉड क्या होता है, लॉ बोलता है जी इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट्स. इंटेंशनली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स फैक्ट्स तो क्या है, फ्रॉड. कोअर्जन क्या होता है, फिजिकल प्रेशर, इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रेशर. अंडी इन्फ्लुएंस क्या होता है जी, मोरल प्रेशर या मेंटल प्रेशर बोल सकते हैं. मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट्स. इनोसेंटली अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई फॉल्स फैक्ट्स. मिस्टेक क्या होता है जी, एरनस बिलीफ अबाउट समथिंग. एरनस का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ, गलत भरोसा है हमारा किसी चीज के ऊपर अबाउट
समथिंग लॉ बोलता है इन पांचों केसेस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट होगा वो वॉइडेबल माना जाएगा, मतलब चाहे तो इसको पार्टी वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए, इसका इफेक्ट क्या होगा वॉइडेबल। फटाफट देखते हैं फ्रॉड, किसी ने किसी को कुछ गलत बोला इंटेंशनली रिप्रेजेंट करा तो उसमें क्या इफेक्ट क्या है वॉइडेबल, अगर सामने वाला बंदा चाहे तो उसको वैलिड चाहे तो वॉइड। कोअर्शन, ए बी को बोलता है कान पे रेपटा मार के कि भाई तेरी घड़ी बहुत सुंदर लग रही है फटाफट चुपचाप मेरे को दे दे इसको, दिस इज कोर्जन। मैंने उसके ऊपर क्या करा फिजिकल प्रेशर उसको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। अच्छा लॉ बोलता है कि खाली फिजिकल प्रेशर करना ही कोर्जन नहीं होता, फिजिकल प्रेशर इसलिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो कोर्जन माना जाएगा। अगर आप किसी को खाली ऐसे ही मार रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना चाहते दैट इज क्राइम नॉट कोर्जन। अच्छा अंडर इन्फ्लुएंस, सपोज ए और बी, ए पेशेंट है बी डॉक्टर है, बी कहता है वैसे तो मैं पेशेंट से नॉर्मल 5 लाख ले पे तो लेकिन तेरा इलाज करने के 10 लाख लूंगा, मैं उस पर क्या कर रहा हूँ मैंने उसे मारा नहीं है मैं उसको मेंटल प्रेशर डाल रहा हूँ। तो लॉ कहता है ऐसे किसी तरह पेशेंट के ऊपर चाहे तो उसको वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमने जान के नहीं करा गलती से हमारे से कुछ हो गया तो ऐसे केस के अंदर हम लोग चाहे तो उसको वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए, लेकिन कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट को अवॉइड ही करना पड़ता है। मिस्टेक, मिस्टेक के अंदर लॉ बोलता है जी अगर बायलैटरल मिस्टेक है दोनों तरफ से गलती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, फिर तो कुछ परेशानी नहीं है फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते वॉइडेबल नहीं है, लेकिन अगर सिंगल मिस्टेक है तो इसको चाहे तो वैलिड बनाओ चाहे तो वॉइड बनाओ। ठीक ये हो गया, जरा फटाफट देखते हैं वो कह रहा है कोर्जन इज सेट टू कंसेंट, अगर इन पांचों में से एक भी चीज हो गई तो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, पांचों में से पांचों से एक भी हो गई मतलब पांचों में से कोई भी नहीं होनी चाहिए। पहला कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसइंटरप्रिटेशन मिस्टेक, वो क्या बोलता है कंसेंट इज सेट टू बी व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोर्जन ये नहीं होगा तो फ्री कंसेंट मान जाएगी, अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो एक्चुअली कमिटिंग एन ऑफेंस फॉरबिडन बाय आईपीसी, कोई ऐसा क्राइम जो आईपीसी ने मना करा था आपने कर दिया, इंडियन पेनल कोड ने मना करा था या किसी को मारने की धमकी दी है या आपने एक्चुअल में किसी की प्रॉपर्टी छीन ली या किसी की प्रॉपर्टी छीनने की धमकी दी है, किस लिए ताकि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले जो मैंने बोला था। अगर आप खाली मार रहे हो मारने की धमकी दे रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करवाना चाहते दैट इज क्राइम नॉट क्वेश्चन, तो इस केस के अंदर एक क्वेश्चन माना जाएगा। इस केस में हमको क्या कह रहा है इफेक्ट क्या है जी इसका वॉइडेबल, द बर्डन है देखो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। अच्छा द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन शैल लाई अपॉन द पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, बर्डन किसके ऊपर आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है उसके ऊपर ये बर्डन आएगा इसको प्रूव करने का कि ये वॉइडेबल है वैलिड है या वॉइड है। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है जब एक पार्टी डोमिनेट होती है लाइक डॉक्टर जो मैंने बताया था, अगर अपने डोमिनेंस का फायदा उठाती है तो अंडर इन्फ्लुएंस होता है, इसको मोरल प्रेशर बोलते हैं। देखो द डोमिनेंट पार्टी ऑब्टेन्स अनफेयर एडवांटेज, मैंने तुम्हारा क्या बोला वो 5 लाख का ऑपरेशन उससे कितने पैसे ले उससे 10 लाख, इस केस में वो क्या बोलते हैं जी ये वाला इफेक्ट इसका क्या है जी इसका भी इफेक्ट क्या है वॉइडेबल है, इसका इफेक्ट भी क्या है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन सो ऑब्टेन्ड, सच एन एग्रीमेंट में सेट असाइड एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु इंटेंडेड टू सेट असाइड ही रिसीव्ड एनी बेनिफिट द कोर्ट में सेट असाइड अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे अपीयर जस्ट, ये नॉर्मल बात कर रहा है। कोर्जन इंटेंडेंस फर्क क्या होता है आप अपने आप पढ़ेंगे। ये हो गया फ्रॉड इंटेंशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉल्स फैक्ट्स, नेक्स्ट क्या आता है मगर आपको एक चीज मेन क्या रखनी है फ्रॉड अगर होने के लिए 5 चीज जरूरी है, एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो विलफुली होनी चाहिए, तीसरा टू डिसीव अदर पार्टी, डिसीव का मतलब धोखा देना सामने वाले को धोखा देने के लिए होनी चाहिए और सामने वाले के साथ धोखा हो गया हो वो और उसको सामने वाले का लॉस भी हो गया हो एक्चुअल में लॉस भी हुआ हो तभी फ्रॉड माना जाएगा। एग्जांपल मैंने क्लास के अंदर बच्चे को दिया था कि हमने एक बंदे को घड़ी दी है लेकिन वो बंदा उस घड़ी से सेटिस्फाइड है भले फ्रॉड करके उसको हमने उसको चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के भेज दिया लेकिन उसमें उसको लॉस नहीं हुआ था तो फ्रॉड नहीं है, क्यों क्योंकि सामने वाले को लॉस नहीं हुआ। कई बार एक ऐसे ही बोल रहे थे डिसीट विच डज नॉट डिसीव इज नॉट फ्रॉड, एक धोखा देने की कोशिश जिससे सामने वाला बंदा लूटा नहीं तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, सच्चाई है ये हो गया। अच्छा एक वो पूछ जाता है कई बार ऐसा भी होता है जी साइलेंस भी फ्रॉड मानी जाती है, जी हम ये बोलते हैं जनरली साइलेंस जहाँ पे बोलने हमारी ड्यूटी टू स्पीक नहीं होती वहाँ पे हम नहीं मानी आती, लेकिन जहाँ हमारी ड्यूटी टू स्पीक बनती है वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ अबाउट द पार्टीज बट पार्टी रिमेन साइलेंट, हमारे को लगता है हम बोलने जरूरत थी और हम नहीं बोले वो, और वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, अगर हमारे पास साइलेंट है ही स्पीच के बराबर तो उस केस के अंदर हमारे को बोलना जरूरी है। अब आता है मिसरिप्रेजेंटेशन, हमारे से इनोसेंटली हो गया हमने जान के नहीं करा तो ये भी क्या माना जाएगा फ्रॉड। अब आता है मिस्टेक रॉन्ग बिलीफ अबाउट समथिंग, हम किसी चीज के बारे में रॉन्ग बिलीफ करते हैं तो क्या मिस्टेक, मिस्टेक में क्या बता रहे दो तरीके की मिस्टेक होती है, एक होती है बायलैटरल एक होती है जनरल, मैंने क्या बोलता बायलैटरल का इफेक्ट क्या होता है वॉइड, लेकिन जो जनरेटर होते हैं जनरली वॉइड नहीं होती। अब आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, वो क्या बोलता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इफेक्ट, एन एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट लॉफुल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, वो कहता है एक ऐसा एग्रीमेंट
जिसका ऑब्जेक्ट है जिसकी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है वह लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं हो सकता, लेकिन सर्कमस्टांसेस इन विद द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। वो कह रहे कौन कौन से केस है जहां पे वो अनलॉफुल माना जाता है। पहला, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ, आप कोई ऐसी चीज करते हो जो लॉ ने स्टार्टिंग से ही मना कर रखी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, हमारे को इंडिया में ड्रग्स वगैरह सप्लाई करना अलाउड नहीं है, अगर हम ऐसे ड्रग्स वगैरह बेचते तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से फॉरबिडन बाय लॉ मना किया गया। दूसरा, एग्रीमेंट विद डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, इस वाले में ऊपर वाले फर्क क्या है, ये वाला काम हमारे करना तो अलाउड है लेकिन अगर हमने उसको गलत तरीके से करा तो वो लॉ का प्रोविजन डिफीट कर देगा। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, हमारे को सपोज लेट्स से एक प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट है एक्स और लेट्स से इसकी एमआरपी है ₹100। लॉ कहता है देखो हमारे को प्रोडक्ट बेचना तो अलाउड है लेकिन अगर हमने 110 का बेचा तो लॉ का प्रोविजन डिफीट कर देगा, अगर हमने उसको एमआरपी से ऊपर बेचा तो ये लॉ का प्रोविजन डिफीट कर देगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सेकंड पॉइंट, अगर आप ऐसा करते तो ये भी अनलॉफुल है। तीसरा, फ्रॉडलेंट नेचर में करते तो अनलॉफुल है। चौथा, अगर आप सामने वाले को इंजरी पहुंचाते हैं उसको या उसकी प्रॉपर्टी को तो अनलॉफुल है। नेक्स्ट, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो भी वो क्या है, अनलॉफुल है। अब वो बता रहा है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या क्या माना जाता है, अगर आप किसी एनिमी से डीलिंग करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। दूसरा, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का नाम होता है जो कोर्ट में मुकदमेबाजी चलती है, कोर्ट के अंदर हियरिंग चलती है, स्टिफलिंग का मतलब उसका दबाना, तो वो क्या बोलता है, स्टिफलिंग का मतलब गला घोटना। तो वो कहता है अगर सपोज सामने वाले को आपने कन्वर्ट क्राइम करते हुए देख लिया, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एग्जाम्पल, लेट से मिस्टर एक्स है, लेट से मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर कर दिया और मिस्टर एक ए है उसने मिस्टर एक्स को मर्डर करते हुए देख लिया, मिस्टर एक्स को पता लगा मिस्टर ए ने देख लिया, मिस्टर ए उसको ब्लैकमेल करा, तो मिस्टर एक्स मिस्टर ए को कहता है तू एक काम कर, तू कोर्ट में कुछ मत बोलियो कि मैंने मर्डर करा है, मैं तेरे को 2,00,000 रुपये दूंगा, 2 लाख दूंगा, किस चीज़ के, ताकि वो डिस्क्लोज ना करे कि मर्डर किसने करा है, एक्स ने। लॉ बोलते इधर वो क्या कर रहा है, स्टिफल कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टिफल कर रहा है, गला घोट रहा है किसका, प्रोसिक्यूशन का, जो किसको हो सकती है, मुकदमेबाजी किसके ऊपर चल सकती है, एक्स के ऊपर। लॉ बोलता है आप ऐसा काम नहीं कर सकते, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। और इसका रीजन क्या दिया उसने, यू कैन नॉट कन्वर्ट अ क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। तीसरा, एग्रीमेंट टू वेरी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एग्जाम्पल टाइम बाय डेट, अगर आप उसमें कोई चेंज करते हो तो वो टाइम बाय डेट क्या होता है, मैं लास्ट वीडियोज में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट आता है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप शादी तोड़ते हो, शादी तोड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, ए बी को बोलता है तेरे को 50,000 रुपये दूंगा तो उसकी शादी तोड़वा दे, अगर आप ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। पांचवा, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेज, ये ऑफिसर लिखा है इसको बोलते हैं ऑफिसेज, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेज का मतलब होता है मैं रिश्वत लेके सामने वाले एम्प्लॉइज को बोलता है सरकारी नौकरी लगवाता हूँ, ये भी लॉ बोलता है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, मैं एग्रीमेंट करता हूँ उसकी अपोज टू ड्यूटी, किसी बंदे की ड्यूटी बनती है उससे हटके कि तू ये वाला काम मत कर, तेरे को इतने पैसे दूंगा। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स है, इसके एक फादर है मिस्टर वाई, आजकल आपको पता है कि बच्चे पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते, तो उसी के ऊपर एग्जाम्पल है कि एक डॉक्टर है, पेरेंट्स की तबीयत खराब है, फादर की तबीयत खराब है, मिस्टर एक्स डॉक्टर के पास जाता है, उसको बोलता है 5,00,000 रुपये दूंगा लेकिन मेरे फादर को बचाइयो मत, उनका ट्रीटमेंट सही मत करियो, आप ही डॉक्टर के साथ कैसे एग्रीमेंट कर रहे हो, विच इज अपोज टू हिज ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी के अपोज में है, उसके अगेंस्ट है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए डॉक्टर को, लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या माना जाएगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट क्या, पब्लिक पॉलिसी। अगर आप मैं किसी के मैरिटल स्टेटस में इफेक्ट करती हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ दोस्त दूसरे बंदे को तो 20,000 रुपये दूंगा यार उसकी ना वाइफ की फोटोज खींच खींच के ला दे अच्छी, मैं क्या कर रहा हूँ उसकी शादीशुदा स्टेटस में इंटरफेयर कर रहा हूँ, लॉ बोलता है ये भी क्या है, वॉइड है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, अगर मैं पेरेंट्स के राइट्स पर कोई रोक लगाता तो वो भी क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और ये सारे क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। अब वो बताता है सर एक पेपर में आपके क्वेश्चन आता है एग्रीमेंट अनलॉफुल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट, वो क्या बोलता है अगर आपका लीगल पार्ट इलीगल पार्ट सेपरेट हो सकता है, सपोज लेट्स से मिस्टर एक्स है वो मिस्टर वाई के पास जाता है
और उसको कहता है मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना है ए, एक प्रोडक्ट खरीदना है बी। प्रोडक्ट ए जो है वो लीगल है खरीदना इंडिया में, और प्रोडक्ट बी जो है वो इलीगल है। तो लॉ बोलता है अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास जाके उसको बोलता है कि मेरे को ये एक लीगल प्रोडक्ट दे दे, एक इलीगल दे दे, तो लॉ बोलता है अगर लीगल प्रोडक्ट और इलीगल प्रोडक्ट आपस में सेपरेट हो सकते हैं, सपोज मिस्टर वाई ऑप्शन रखता है कि चल तेरे को जो खरीदना खरीद लिया, तो प्रोडक्ट ए खरीद लिया, प्रोडक्ट बी खरीद ले, तो कहता है अगर आपके पास चॉइस है और वो दोनों में से कोई भी चीज़ खरीद सकता है, जो लीगल पार्ट है वो वैलिड होगा उसके कॉन्ट्रैक्ट का, जो इलीगल पार्ट है वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन केस टू, मिस्टर वाई बोलता है अगर खरीदना है, मिस्टर एक्स बोलता है कि यार मेरे को ना खाली बी वाला प्रोडक्ट खरीदना है, ए वाला प्रोडक्ट खरीदना, बी वाला नहीं खरीदना। मिस्टर एक्स कहता है खाली मेरे को लीगल खरीदना है, लीगल नहीं खरीदना। लेकिन मिस्टर वाई बोलता है हमारे यहाँ बिकते हैं तो दोनों बिकते हैं, वरना एक भी नहीं बिकता। इसका यहाँ पे लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो पा रहा, और ऐसे में अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कॉन्टैक्ट करता है तो बोलता है पूरा कॉन्टैक्ट अवॉइड माना जाएगा। इसका अब ये हो गया, एक कंक्लूजन दोबारा निकालें, अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट हो सकता है, सामने वाला ऑप्शन दे रहा है, तो अगर आप लीगल वाला जो आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो वो वैलिड, इलीगल वाला वॉइड। अगर लीगल इलीगल सेपरेट नहीं हो सकता और आप लीगल और इलीगल दोनों ही लेके आ रहे हो, तो पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये हो गया आपका खत्म। अब आता है जी वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग वॉइड अग्रीमेंट्स को अगर हम बात करें आपसे, तो लॉ बोलता है वॉइड अग्रीमेंट कौन कौन से हैं, ये आप लोग मेरे से पहले पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, अगर इनकम्पिटेंट पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं, जैसे लाइक माइनर माइनर आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, या माइनर किसी बड़े से भी एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन माइनर से एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड अग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ एक्ट, दोनों को ही नहीं पता था, दोनों से गलती हो गई, तो वो भी क्या है, वॉइड। तीसरा एग्रीमेंट द कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल, कोई ऐसा एग्रीमेंट इसका ऑब्जेक्ट ही क्या है अनलॉफुल, तो वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड। एग्रीमेंट द कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, ये वो वाला पॉइंट है कि अगर अनलॉफुल इन पार्ट और लॉफुल पार्ट, अनलॉफुल वाले पार्ट सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो उसमें क्या होगा, पूरा ही वॉइड माना जाएगा। या लॉफुल पार्ट अगर अनलॉफुल वाले पार्ट से सेपरेट हो पा रहा है, तो उस केस में जो अनलॉफुल वाला पार्ट है वो क्या है, वॉइड। नेक्स्ट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, आपको पता है एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के क्या होते हैं, वॉइड। लेकिन आपको पता है इसके एक्सेप्शन हैं जो हमने पढ़ी थी, कि यहाँ पे कंसीडरेशन है फिर भी कॉन्टेक्स्ट वॉइड वैलिड होते हैं कुछ। नेक्स्ट एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज, अगर आप शादी पे किसी की रोक लगवाते हो तो वो क्या है, एग्रीमेंट वॉइड। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, किसी को धंधा नहीं करने देते, वो भी क्या है, वॉइड। ये ट्रेड कॉम्बिनेशन पूरी एग्रीमेंट को हम डिटेल में समझाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बहुत डिटेल में समझाया था। वो कहता है एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर आप किसी को कोर्ट में जाने से रोक लगाते हो वो भी क्या है, वॉइड। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, ए बी को बोलता है एक काम कर मेरे को 100 लीटर ऑयल दे दे, लेकिन वो ये नहीं बताता कौन सा ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल, हेयर ऑयल वगैरह वगैरह, तो वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। नेक्स्ट एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ, ए बी को बोलता है तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा उसमें जितने तारे गिन के दिखा दे, ये एग्रीमेंट भी क्या है, वॉइड। ये 10 पॉइंट है जो वॉइड एग्रीमेंट के आपके पेपर में कई बार आए हुए हैं। अब आता है जी वेगरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, सुन लो मेरी बात। वेगरिंग एग्रीमेंट्स वो होते हैं विच डिपेंड्स अपॉन विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, वेगरिमेंट्स वो कहते हैं जो किसी की चीज के होने पे या ना होने पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है अगर आज क्रिकेट में सचिन जीता तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा, क्या दूंगा, 2 लाख रुपए। दिस इज अ काइंड ऑफ वेगरिंग एग्रीमेंट, ये क्या है, वेगरिंग। क्योंकि देखो सचिन का जीतना या ना जीतना ये किसी चीज के होने पे या ना होने पे डिपेंड करता है। अगर वो इधर जो पैसा उसको 2 लाख रुपए मिलेगा वो किस चीज के होने पे या ना होने पे डिपेंड करता है, सचिन के जीतने पे। अगर सचिन जीतेगा तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 2 लाख रुपए देगा, अगर सचिन हारेगा तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 2 लाख रुपए नहीं देगा। तो इसका वेगरिंग एग्रीमेंट क्या, और इंडिया में टोटली वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। लोग कहते हैं क्लियर कट वॉइड है, हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, क्योंकि और इसका मेन है वेगरिंग एग्रीमेंट इंक्लूड्स गैम्बल। वो क्या बोलता है, वेगरिंग एग्रीमेंट्स में क्या मेन मोटिव होता है, गैम्बल, सट्टा। मगर और साथ में वो क्या बोल रहा है, तो आपको पता होगा ये कुछ स्टेट्स अपने स्टेट लॉज भी बनाती है, तो उसमें गुजरात ने और महाराष्ट्र ने तो इसको इलीगल भी डिक्लेयर करा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर वेगरिंग एग्रीमेंट्स इलीगल भी है, क्या है, इलीगल भी है, और जो इलीगल होते हैं वो ऑटोमेटिक वॉइड तो होते ही हैं। इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया में वॉइड तो है ही, तो हो तो कभी भी नहीं सकते।
लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में इलीगल में, इलीगल होने का मतलब ये हो गया कि गुजरात महाराष्ट्र में अगर कोई ये वायरस सट्टे लगातार वो पकड़ा गया तो उसको जेल भी हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे दिल्ली वगैरह में करता है तो उसको जेल नहीं होगी लेकिन उससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट वॉइड माना जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा दिल्ली वगैरह में भी जेल दे देते हैं उठा के। वेगरिंग मेकिंग में भी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज टू द फैक्ट दैट इफ अ गिवन अनसर्टेन इवेंट इज डिटरमाइंड इन वन वे, वन ऑफ देम शैल पे अ सर्टेन सम मनी टू द अदर एंड इफ इज डिटरमाइंड इन द अदर वे द लेटर शैल पे टू द फॉर्मर। देखो आगे ना बात, अगर वो इवेंट एक तरीके से जीता, अगर सचिन जीता तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देगा जो हारने वाला है, अगर सचिन हारा दूसरा पार्टी उस वाले को देगा पहले वाले को। असेंशियल इवेंट वेगरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, ए पेड मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, द प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, सचिन के जीतने या ना जीतने पे था, आप पैसा भी दे सकते हो पर पैसे की वर्थ में कुछ भी दे सकते हो। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन कि हमारे को पक्का पता है सचिन जीतेगा, वो इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। हर एक पार्टी वो कह रहे हैं इक्वली स्टैंड करती है विन और लूज के अंदर, एक जीतेगी तो दूसरे की हार होगी। ऑब्वियस बात है अगर मिस्टर ए ने लगाया गया सचिन जीतेगा, अगर सचिन जीत गया तो बी की हार, अगर सचिन हार गया तो ए की हार, तो ये क्या है दोनों पार्टी इक्वली विन और लूज में करती हैं। और लास्ट द पार्टीज मस्ट मेड द प्रॉमिस मस्ट हैव बीन मेड विद एन इंटेंशन टू गैम्बल, आपने प्रॉमिस किस लिए करा है सट्टा लगाने के लिए। अच्छा वो क्या बोलता है वेगरिंग एग्रीमेंट अ वॉइड बट नॉट इलीगल, वेगरिंग वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में वो क्या है इलीगल भी है। तो देयरफॉर आप अगर इंडिया के अंदर कोई भी रिकवरी के लिए अगर सपोज वेगरिंग एग्रीमेंट कोई बंदा जीता और सामने वाली पार्टी नहीं देती पैसा, तो आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करने के लिए मतलब पैसा रिकवर करने के लिए केस उसके ऊपर फाइल नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या बोलता है देखो वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन कोई ट्रांजैक्शन उसको करने के लिए दी गई है वो वॉइड नहीं है। एग्जांपल लेके बात करते हैं, दिल्ली के अंदर कोलैटरल ट्रांजैक्शन वगैरह उससे कोलैटरल ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं है। सपोज मिस्टर एक्स है मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपस में सट्टा लगा रहे हैं क्या सचिन जीतेगा सचिन हारेगा, लेकिन मिस्टर एक्स जब सट्टा लगाने गया 10 लाख रुपए के लिए, सपोज ने सट्टा लगाया क्या सचिन देगा 10 लाख रुपए दूंगा तेरे को, मिस्टर एक्स के 10 लाख थे नहीं, तो वो मिस्टर ए है ये फाइनेंसर है, ये कौन है फाइनेंसर, इसका काम ही लोगों को लोन देना है। मिस्टर एक्स मिस्टर ए के पास गया और उसको जाके बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, किस चीज़ के लिए चाहिए, मेरे को सट्टा लगाना है, क्या करना है मेरे को गैम्बल करना है। तो लॉ बोलता है ऐसे केस के अंदर ये जो उसने लोन दिया ये कोलेट्रल ट्रांजेक्शन है, मेन ट्रांजेक्शन थोड़ी है, इधर इधर मेन ट्रांजेक्शन तो क्या है सट्टा लगाना, इधर कोलेट्रल क्या है जिसको वो लोन दे रहा है। लॉ बोलता है भले ही वेगरिंग एग्रीमेंट का मेन जो है पूरा वॉइड है लेकिन जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन जिसको करने के लिए दी गई है वो वैलिड है। मतलब इस केस में मिस्टर एक्स अगर कल को मिस्टर वाई से हार जाता है तो, और अगर सपोज मिस्टर वाई उससे पैसा रिकवर नहीं कर पाता तो उस केस के अंदर वो केस तो नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर ए मिस्टर एक्स के ऊपर केस कर सकता है अपना लोन की रिकवरी के लिए। तो सट्टे वाले आपस में केस नहीं कर सकते लेकिन जिनसे उनको लोन दिया है वो रिकवर कर सकता है। अच्छा भले उसको पता भी हो कि सट्टे के लिए पैसा लग रहा है, वही देखो ये वही बता रहा है दो वेगरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड बट द ट्रांजेक्शन कोलेटरल टू वेगरिंग ट्रांजेक्शन आर नॉट वॉइड, एग्जाम्पल जो हमने लोन दिया था वो वॉइड नहीं है। देखो मनी लैंड फॉर द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग और फॉर पेइंग अ गैम्बलिंग डेट इवन इफ एडवांस विद द नॉलेज ऑफ इट्स पर्पस, हम भाई पता भी है किस पर्पस के लग रहा है तब भी वो वॉइड नहीं है और वो रिकवर की जा सकती है। अच्छा एक चीज़ और इसी के साथ लिंक कर दूं, यहाँ पे जो वेगरिंग एग्रीमेंट होते हैं इसमें जो बोल रहा है जो इसकी कोलेट्रल ट्रांजेक्शन होती हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स की जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन होती हैं, वॉइड एग्रीमेंट की कोलेट्रल ट्रांजेक्शन वैलिड होती हैं, है ना, वॉइड एग्रीमेंट्स की वेगरिंग एग्रीमेंट क्या है आपस में वॉइड, और इसकी जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन जिसने लोन दिया था सट्टा लगाने के लिए वो क्या लॉ बोलता है वैलिड होती है। लेकिन लॉ बोलता है अगर इलीगल एग्रीमेंट्स हैं उसकी जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन होती हैं वो वॉइड ही होती हैं, वो इलीगली मानी जाती हैं, वो भी वो वैलिड नहीं होती। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मिस्टर एक्स है मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का मिस्टर वाई को कहता है कि तू मर्डर कर दे मिस्टर ए का, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, किसको बोलता है वो मिस्टर वाई को बोलता है, मिस्टर एक्स किसका मर्डर करना है मिस्टर ए का। अच्छा ये भी अनसर्टेन एक इवेंट है, होगा ही नहीं होगा और वैसे भी इलीगल काम है करने के लिए, और सपोज मिस्टर एक्स पे 10 लाख रुपए है भी नहीं देने को, 10 लाख रुपए नहीं है देने को, और मिस्टर एक्स जाता है मिस्टर ए बी के पास वो फाइनेंसर, उसको बोलता है मेरे को 10 लाख रुपए दे दे मैंने मिस्टर वाई को देने मर्डर करने के। लॉ बोलता है इस केस के अंदर ये ट्रांजेक्शन भी इलीगल, जिसकी कोलेटरल ट्रांजेक्शन इसको लोन देना
ये भी इलीगली माना जाएगा। अगर आप क्राइम को प्रमोट करने के लिए कोई पैसा देते तो वो इलीगली माना जाएगा, भले वो ट्रांजेक्शन कोलेट्रल भी है तो वो वॉइड मानी जाएगी। लेकिन आप नॉर्मल वॉइड एग्रीमेंट है लेकिन वो इलीगल नहीं है, जैसे वेगरी एग्रीमेंट वाला केस था, तो उस केस में जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन है वो वैलिड है। तो अब एग्जाम्पल का निकल के आ गया, तो इसका अगर कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं लाइक वेगरिंग वाले, इस केस के अंदर जो इनकी कोलेटरल ट्रांजेक्शन होती है, अगर हम वॉइड वेगरिंग एग्रीमेंट को करने के लिए लोन दे रहे हैं तो वो लोन वैलिड है, और अगर हम कोई क्राइम करने के लिए लोन दे रहे हैं तो वो लोन वॉइड है। तो इलीगल काम करने के लिए कोलेटरल ट्रांजेक्शन करोगे तो वॉइड है, लीगल काम को करने मतलब नॉर्मल वॉइड काम को करने के लिए कोलेटरल ट्रांजेक्शन करोगे तो वो क्या है, वैलिड है। ये आपका आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास से हम लोग करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, एंड ये हमारा आज 7th पार्ट था, बस इसके बाद हम लास्ट पार्ट और करेंगे, देन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।